आप सभी लोग आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस यहां पर 1 या 2 और पहले ही मैंने एक वीडियो डाला है जो कि ये है, जो कि टॉप 2 बेस्ट TH9 स्ट्रेटजी। गाइस अगर आप लोग TH9 हो और अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो यार प्लीज उस वीडियो को देख लेना, उसकी लिंक गाइस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे COC के अंदर जो 2 न्यू इवेंट आने वाले हैं, मेटल मिलिशिया और विच स्लैप, उन दोनों के रिवॉर्ड बताने वाला हूँ। और गाइस ये जो रिवॉर्ड होने वाला है वो मेरी प्रेडिक्शन नहीं होने वाली है, ये 98% कंफर्म होने वाले है और 2% चांस है कि ये रिवॉर्ड चेंज हो जाए। तो आई होप तुम लोगों को वीडियो को जरूर पूरा देखोगे। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, 50 का लाइक है, मैं आई होप तुम लोग कंप्लीट कर दोगे। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलो गाइस यहां पर हम लोग हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं मेटल मिलिशिया इवेंट के बारे में। तो सबसे पहले इस इवेंट को कंप्लीट करने के लिए आपको करना क्या होगा, तो गाइस आप लोगों को पैक का यूज करना होगा। और पैक का गाइस आपको कितने यूज करने होंगे वो गाइस 1 या 2 ही यूज करना होगा, या फिर मैक्सिमम 3, उससे ज्यादा यूज नहीं करना होगा। और गाइस यूज करने के बाद आपको अटैक करने होंगे। कितने अटैक करने होंगे गाइस, आप लोगों को 10 से लेकर 15 अटैक करने होंगे और उन 15 अटैक के अंदर गाइस आप लोगों को 1 स्टार लाना होगा। ओके, तो ही गाइस ये पैक का इवेंट कंप्लीट होगा। और अगर गाइस ये इवेंट आप लोग कंप्लीट करोगे तो उसके अंदर गाइस आपको रिवॉर्ड के अंदर मिलने वाला है 1 ट्रेनिंग पोर्शन और यहाँ पर मिलने वाली है 400 XP। ओके, ये बिल्कुल भी अच्छे रिवॉर्ड नहीं है। ओके, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। आप लोग कमेंट के अंदर जरूर बताओ आप लोगों को इवेंट के रिवॉर्ड पसंद आया या नहीं। चलो कैसे बात करते हैं विच स्लैप के इवेंट के बारे में। मैं एक चीज बताना भूल गया हूँ, मेटल मिलिशिया के अंदर गाइस आपको पैक्का के ऊपर 50% से लेकर 90% तक का कॉस्ट कट हो जाएगा। ओके, तो चलो कैसे हम लोग बात करते हैं विच स्लैप के इवेंट के बारे में। तो गाइस इसके अंदर भी आपको सिंपली 4 या 5 विच को यूज करना होगा, उससे अटैक करना होगा और अटैक करना गाइस आप लोगों को 1 स्टार लाना होगा, तो गाइस इवेंट कंप्लीट हो जाएगा। और इसके गाइस मुझे थोड़े अच्छे लगे हैं क्योंकि गाइस इसके अंदर गाइस हम लोगों को मिलने वाला है 1 रिसर्च पोर्शन, उसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, और मिलने वाली है 400 XP। ओके, सो आई होप गाइस मुझे आप लोग बताओ कि रिवॉर्ड चेंज होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो गाइस मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर ये रिवॉर्ड चेंज हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि ट्रेनिंग पोर्शन तो गाइस यहाँ से हम लोग 10 मेडल के अंदर भी परचेस कर सकते हैं। 1200 मेडल, ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा हो गई ये तो। ओके, तो आई होप गाइस तुम लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और पहली बार आ रहे हो तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और गोल्ड पास गिवअवे का वीडियो मैं आप लोगों को जल्दी अनाउंस कर दूंगा। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।